हेलो नमस्ते, आई होप आप सब अच्छे हैं। मैं हूँ मेघा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है सैटरडे एंड हम लोग आए हैं एक हाइक पे। वी आर एट चंदूला गॉर्ज स्टेट पार्क एंड अभी ना हम लोग ऐसे प्लान किए हैं जितना दिन ये फॉल कलर्स रहेगा हम लोग थोड़ा हाइक में चले जाएंगे बिकॉज वो इतनी प्यारे कलर्स लग रहे हैं। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द स्टेट पार्क एंड इट इज़ 12 PM नाउ। हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया एंट्रेंस ढूंढने में। हम लोग ना एक्चुअली इनका जो कैंपिंग एरिया है वहाँ चले गए थे एंड यहाँ अंदर आगे ना काफ़ी लंबी लाइन है, तो देखते हैं अपना नंबर कब आता है। चलूला गॉर्ज स्टेट पार्क में टोटल 6 वाटरफॉल है और सबका डिफरेंट डिफरेंट ट्रेल है। हम लोग जा रहे हैं कौन सा ट्रेल? नॉर्थ रिम ट्रेल। ओके, नॉर्थ रिम ट्रेल। सो या स्टे ट्यून्ड, आई होप कुछ अच्छा फॉल कलर्स देखने को मिलेगा। आउटलुक 1 और यहीं से हम लोगों को नीचे वो सस्पेंशन ब्रिज दिखा। हम लोगों का प्लान है एक्चुअली यहीं सस्पेंशन ब्रिज में जाने का, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। फॉल कलर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, तो हम लोग सोचे कि जितना दिन ऑटम है उतना दिन अच्छे से हम लोग घूम लेते हैं और सारे कलर्स देख लेते हैं। नब इंडिया में तो इतना चांस नहीं मिलता है फॉल कलर्स देखने का। आई थिंक नॉर्थन पार्ट्स में दिखता होगा, बट हम लोग ईस्ट वेस्ट एंड साउथ में ही रहे हैं, सो वी हैव नॉट सीन। सो इट इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर बोथ ऑफ अस दैट वी आर इन्जॉइंग द फॉल कलर्स एंड वी डोंट वॉन्ट टू मिस अ चांस। मैं थोड़ा फॉल कलर्स टाइप कर ड्रेस भी पहन लिया है। सीनरी बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन पता नहीं फ़ोन से कितना अच्छा कैप्चर हो रहा है। एक्चुअली हम लोग कैमरा लेके तो आए हैं, लेकिन हम लोगों का प्लान एकदम सडन बना, तो कैमरा में चार्ज ही नहीं है। बस इतना ही चार्ज है कि थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कर पाएंगे। मौसम नॉर्मली बहुत ठंडा हो गया है, इसीलिए हम लोग स्वेटर टाइप के कपड़े पहन के आए थे, लेकिन जब वैसे ट्रैकिंग कर रहे हैं तब बहुत गर्मी लग रही है। बट ये वाला एरिया इतना अच्छा है ना, इतना कूल है, इसका व्यू भी इतना अच्छा है। सस्पेंशन ब्रिज है तो हम लोगों को वहाँ जाना था,
पर हम लोग एज यूजुअल थोड़ा गलत रास्ते गलत साइड आ गए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा व्यू है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा देर रुके हैं, थोड़ा स्नैक्स करेंगे एंड देन वी विल गो। पिकनिक स्पॉट एंड कैंपिंग एरिया है, तो थोड़ा पानी भी है, नेक साइड भी है, कोई कोई पानी में भी जा रहा है। तो हम लोग अभी ऊपर चलेंगे एंड विल गो टू दैट सस्पेंशन ब्रिज, देखते हैं कितना टाइम लगता है। एक जगह है जहाँ पे लोग फॉल कलर्स देखने जाते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर इन अटलांटा, लेकिन हम लोगों का शायद इस साल वहाँ जाना नहीं होगा। लेकिन आई एम एन्जॉइंग ऑल दी फॉल कलर्स, मतलब हमारे कम्युनिटी के बाहर भी आप देखोगे ना तो पूरा कलर्स ही कलर्स दिखेंगे। एंड इफ यू चेक आउट माई इंस्टाग्राम फीड तो आपको सिर्फ फॉल कलर्स ही दिखेगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो करते हो दैन चेक आउट माई अकाउंट। तो यहीं से हम लोगों को 620 स्टेप्स नीचे जाना है सस्पेंशन ब्रिज में पहुंचने के लिए। एंड यू कैन सी कि ये ट्रेल थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। अभी नीचे जाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थोड़ी स्टिप है तो मुझे लगता है वापस आने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकता है। एक चीज़ मैंने जो यहाँ पे नोटिस किया है कि यहाँ पे आप कोई भी हाइक में जाओ, हर जगह प्रॉपर ट्रेल रहता है, प्रॉपर पाथवेज रहता है एंड वाटर स्टेशंस बना हुआ रहता है, हर पॉइंट में बेंचेस बना हुआ है ताकि आप रेस्ट कर सको। जो कि इंडिया में अगर आप कोई ट्रैकिंग में जा रहे हो तो वो काफ़ी रॉ एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी कन्वीनियंट वे में बनाया जाता है ताकि किसी को ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। एंड दैट्स द सस्पेंशन ब्रिज। मैं बहुत बचपन में गई थी लेकिन मुझे अभी भी याद है वो जो फील था ना, वैसे ही फील है एंड इट वॉज फन।
अभी हम लोग वापस जा रहे हैं कि चढ़ाई में आई गॉट रियली टायर्ड। आई होप आज का दिन हम लोगों के साथ बिता के आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव अ थम्स अप, कमेंट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो या फिर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब। हम लोग जब आ रहे थे तो कोई कोई ना वो क्यों से यू टर्न लेके चले जा रहे थे, क्योंकि आने वाला बोल दे रहा था देयर इज़ नो पार्किंग। हम लोगों को भी हमारे आगे वाले बोले कि देयर इज़ नो पार्किंग, स्टिल हम लोग सोचे कि नहीं जाके देखते हैं। बट इट इज़ फुल, ऑलमोस्ट फुल, और ऐसा नहीं है कि नहीं है स्पेस, आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, बट यू विल गेट इट। तो थैंक गॉड हम लोग यू टर्न लेके नहीं वापस गए। तो ये इनका पार्किंग एरिया है, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी पार्किंग है। सो यू जस्ट हैव टू कीप लुकिंग, मतलब उस टाइम तो ऑलमोस्ट फुल था, लेकिन ऐसा है कि दो गाड़ी के बीच में अचानक आपको स्पॉट मिल सकती है, सो जस्ट कीप योर आईज ओपन। जो हम लोग हेलन गए थे उसी रास्ते में ही ये स्टेट पार्क है। तो अगर आपने मेरा हेलन अक्टूबर फेस्ट का वीडियो नहीं देखा है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस बार भी हम लोग सेम गैस स्टेशन में रुके थे, लेकिन हॉट चॉकलेट नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स लिए, क्योंकि आज सैटरडे है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है एंड ट्रैफिक बहुत स्लो भी चल रही है, क्योंकि आगे ना कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो एक लेन वो लोग बंद करके रखे हैं। एंड हमारे पीछे भी उतनी लंबी लाइन है। And just another beautiful sunset. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। Till then, take care. Bye.